नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णु चौधरी। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो रहेगा हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, कि जो हाईवे होता है उसके क्रॉस सेक्शन में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कैरियज वे। ठीक है, अपन जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इनको अपन एलोबरेट करके पढ़ेंगे। अपन पहले केवल इनका नाम दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन लेंगे आपको थोड़ा सा। कैरियज वे क्या होता है, जिस पर गाड़ी चलती है। शोल्डर्स क्या होते हैं, रोड के किनारे पर जो कच्ची मिट्टी होती है, कच्ची कुटिया जो कच्ची रोड बनाई जाती है वो। रोडवे विड्थ की रोड की कितनी विड्थ है। राइट ऑफ वे मतलब कितना पाथ है रोड को दिया गया है। बिल्डिंग लाइन, बिल्डिंग लाइन की बोला है जिसके अंदर अपन बिल्डिंग से नहीं बना सकते। कंट्रोल लाइन, मीडियन, कैम्बर एंड क्रॉस स्लोप। ठीक है, कैम्बर एंड क्रॉस स्लोप होता है कि जैसे अपना हम कोई रोड बनाया तो उसको अपन ऐसा क्रॉस स्लोप देते हैं। ऐसा क्यों देते हैं, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर बरसात हो रही है तो वो लुढ़क के नीचे चली जाए। साइड स्लोप कि अगर मान लीजिए अपन फिल कर रहे हैं या कट कर रहे हैं तो वहाँ पे साइड स्लोप कितने दी है। कर्व बीच में जो होता है आपके मीडियन टाइप है वो, या फिर जो रोड होता है उसके साइड में आप फुटपाथ बनाते हो वो कर्व। गार्ड रेल्स, साइड ड्रेन, अदर फैसिलिटीज़, जैसे कि साइड में आपने अदर फैसिलिटीज़ में क्या हो गया कि जैसे आपने रोडवे के साइड में कुछ शौचालय की व्यवस्था करवा दी। ठीक है, रेस्ट रूम्स बनवा दिए। ठीक है, आपने क्या हो गया ट्रक लेवाई बनवा दिया कि जहाँ पर ट्रक से खड़े हो सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें बनवा दी हों। ठीक है, उसके अलावा क्राउन। ठीक है, क्राउन का मतलब कुछ नहीं है, जब आप कैम्बर बनाते हो तो कैम्बर के बाद में आपको क्राउन देना पड़ता है, उसका टॉप मोस्ट पॉइंट उसको बोलते हैं क्राउन। ठीक है, तो क्राउन दो प्रकार के हो सकते हैं, ट्राइंगुलर हो सकता है और पैराबोलिक हो सकता है। ठीक, इट इज़ नथिंग बट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ रोड सरफेस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। चलिए आगे चलते हैं, अपन क्या करेंगे, अपन इनको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कैरियज वे। ठीक है, तो वे कैरियज का, इट इज़ द ट्रेवल वे विच इज़ यूज फॉर मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, इट टेक द व्हीकुलर लोडिंग। ठीक है, कि इट इज़ द ट्रेवल वे विच इज़ यूज फॉर मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, इट टेक द व्हीकुलर लोडिंग। के जो जिस जो आपका पाथ वे होता है, मतलब जो रोड वो होता है ना, रोड है, उसमें वो जगह जहाँ पे व्हीकल्स चलते हैं और जो व्हीकल्स के लोड को कैरी करता है। जैसे अगर मान लें मैं बिटुमिनस रोड की बात करूँगा तो वो जो काला काला सा पट्टी होता है जिस पे अपन व्हीकल चलते हुए देखते हैं उसको बोलते हैं अपन कैरियज वे। इट मे बी सीमेंट कंक्रीट रोड और बिटुमिनस पेवमेंट, कैसा भी हो सकता है। सीमेंट कंक्रीट रोड होता है वो उसको हार्ड रिजिड पेवमेंट बोलते हैं, और जो बिटुमिनस वाला होता है उसको अपन फ्लेक्सिबल पेवमेंट बोलते हैं। विड्थ ऑफ कैरियज इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ ऑफ द व्हीकल्स एंड द मिनिमम साइड क्लियरेंस ऑफ द सेफ्टी। कि जो मिनिमम कैरेज वे का जो विड्थ होता है वो व्हीकल की विड्थ के ऊपर और मिनिमम साइड सेफ्टी के ऊपर डिपेंड करता है। वन वे के लिए अपन 3.5 ले लेते हैं। ठीक है, और टू वेज के लिए वन वे के लिए 3.75 और टू वेज के लिए 3.5 पर लेन विड्थ अपन लेते हैं। चलिए अपन आगे देख लेते हैं कि कितना क्या लेते हैं इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ इसको, थोड़ा ज़्यादा निकल गया। ठीक है, तो एज पर IRC स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम विड्थ ऑफ अ व्हीकल इज 2.44 mm। कि एक व्हीकल की मैक्सिमम विड्थ कितनी हो सकती है, 2.44 meter। ठीक है, मिनिमम क्लियरेंस इज 0.68 इन केस ऑफ सिंगल लेन और 1.02 इन केस ऑफ डबल लेन। ठीक है, सिंगल लेन के केस में 0.68 होता है और डबल लेन के केस में 1.02 होता है। ठीक है, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, विड्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये इसको ऐड करके देख लेंगे तो 3 meter के आसपास आ जाएगा। ये पर साइड होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें विड्थ दे रखी है कि अगर क्लास ऑफ द रोड सिंगल लेन रोड है तो उसमें 3.75 meters होते हैं। कैरिज वे की विड्थ बता रहा हूँ मैं, वो जो अपने मैं बताया ब्लैक पट्टी उसकी विड्थ है यहाँ की। ठीक है, अगर टू लेन विदाउट रेज्ड कर्व हो साइड में, अगर कोई करें तो 7 meter, अगर रेज्ड कर्व्स है नहीं है तब तो 7 meter, है तो 7.5 meter। इंटरमीडिएट लेन होता है उसको 5.5। इंटरमीडिएट का मतलब हो गया कि डेढ़ होता है ना, जैसे विलेज रोड बनाते हैं वो इंटरमीडिएट बनाते हैं अपन, उसमें टू वे लेन हाईवे दे नहीं सकते हैं और सिंगल लेन से काम चलेगा नहीं, तो वहाँ पर इंटरमीडिएट बना सकते हैं। ठीक है, मल्टी लेन पेमेंट होता है वो 3.5 meter पर लेन के हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये आपके विड्थ है जिसको याद रखने की है कि सिंगल लेन 3.75 meter, 7 meters, 7.5 meter फॉर रेज्ड कर्व्स है, 5.5 फॉर इंटरमीडिएट है विलेज रोड्स के लिए, और मल्टीपल लेन में
3.5 मीटर पर लेन के हिसाब से अपन इसको ले लेते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, सॉरी, ठीक है। अब बात आती है, अगर रोड क्लासिफिकेशन की बात करें तो एनएच और स्टेट हाईवे, सॉरी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, तो सिंगल लेन रोड है, प्लेन और रोलिंग टेरेन, तो उसमें रोड विड्थ 12 मीटर होती है, और माउंटेनियस और स्टीप टेरेन उसमें 6.25 मीटर, अगर टू वे लेन है तब भी 12 होगी और 6.25 मीटर हो गए। अगर MDR की बात करेंगे, सिंगल लेन है तो 9 मीटर, ठीक है, और ठीक है, इसी प्रकार अगर ODR की बात करेंगे तो सिंगल लेन में 7.5 मीटर और टू लेन में 9 मीटर, ठीक है। ऐसे विलेज रोड की बात करेंगे तो सिंगल 7.5 मीटर, ठीक है, और माउंटेनियस और स्टीप टेरेन की बात करेंगे तो 4 मीटर, ठीक है। ये इसकी विड्थ की बात हो गई अपन, ठीक है, कल रोड के लिए। अब कैरेज वे को मैंने बताया था जो ब्लैक पट्टी होती है, तो देखिए यहाँ जो एज से लेके एज तक की जो डिस्टेंस होती है उसको कैरेज वे बोला जाता है, और ये जो साइड में रह जाता है इसको बोलते हैं शोल्डर, ठीक है। अभी आपके शोल्डर भी आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे इसका डिवाइडर हो गया। अगर ये नहीं बना हुआ है, ये टू वे लेन रोड है, ठीक है, विदाउट डिवाइडर, ठीक है, विदाउट कर्व्स, ठीक है, इसमें कर्व्स भी नहीं है, ठीक है, शोल्डर। अब शोल्डर्स क्या होते हैं, ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं कैरेज वे को सपोर्ट देने के लिए, तो इट इज़ प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एज टू सर्व एज एमरजेंसी लेन फॉर व्हीकल्स। एमरजेंसी लेन्स कैसे, जैसे जो आपको कैरेज वे हो गया उसके पास में थोड़ा सा शोल्डर देते हैं, कच्ची रोड टाइप देते हैं, इसको शोल्डर बोला जाता है, ठीक है। इट एक्ट्स जो एमरजेंसी लेन का काम भी कर सकता है, इट एक्ट एज अ सर्विस लेन फॉर व्हीकल्स दैट हैव ब्रोकन डाउन। मिनिमम शोल्डर विड्थ ऑफ 4.6 मीटर सो दैट द ट्रक सैंक्शन एट द साइड ऑफ द शोल्डर शुड हैव अ क्लियरेंस ऑफ 1.85 मीटर फ्रॉम द पेवमेंट एज। जो मिनिमम विड्थ दी जाती है शोल्डर की वो 4.6 मीटर तक दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई ट्रक वगैरह खड़ा हो जाएगा तो उसको साइड क्लियरेंस मिल जाएगी 1.85 मीटर की, क्योंकि 2.44 मीटर तो उसकी मैक्सिमम विड्थ हो सकती है। IRC रिकमेंडेड दैट मिनिमम शोल्डर विड्थ इज 2.5 मीटर, कम से कम आप 2.5 मीटर तुम देना ही चाहिए, डिजायरेबल तो 4.6 मीटर है पर मिनिमम इतना तो देना ही चाहिए। इट शुड हैव सफिशिएंट लोड कैरिंग कैपेसिटी इवन इन वेट वेदर। मैं शोल्डर दे तो दिया लेकिन ऐसा नहीं हो बिल्कुल कच्चा हो, गाड़ी वहाँ जाए धस जाए, ठीक है, टोपल हो जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना। तो इस केस में क्या करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है, मिनिमम सफिशिएंट लोड कैरिंग कैपेसिटी तो इसके पास होनी ही चाहिए, ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं, सॉरी, ठीक है। द सरफेस ऑफ द रोड, द सरफेस ऑफ द शोल्डर शुड बी रफर देन द ट्रैफिक लेन सो दैट द व्हीकल्स आर डिस्करेज टू यूज़ द शोल्डर एज ए रेगुलर ट्रैफिक लेन। अच्छा, ऐसा शोल्डर को किसी पूछे कि साहब कच्चा क्यों बनाते हो, क्योंकि इसका कारण ये है कि देख अगर मान लीजिए उसको पक्का बना देंगे तो वो एज ए ट्रैफिक लेन यूज़ करने लग जाएंगे लोग, ठीक है, जो ट्रैफिक व्हीकल यूजर्स होते हैं, ठीक है, तो ऐसा क्योंकि इसको डिस्करेज करना, उनको ऐसा यू नहीं करना, इसलिए उसको थोड़ा रफ बनाया जाता है। द कलर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पेवमेंट सो एज टू बी डिस्टिंक्ट। उसका कलर थोड़ा अलग होना चाहिए, वो ब्लैक है तो ये थोड़ा रेडिश होता है आमतौर पे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोगों को डिफ्रेंशिएट हो जाए भाई इधर ही शोल्डर बना हुआ है और रोड कैरेज वे नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये हो गया शोल्डर, ठीक है, ये आपका लेन का जो लास्ट इंडिकेटर हो गया, उसके बाद में आ गया ये शोल्डर, ठीक है। साइकिल ट्रैक्स भी बनाए जाते हैं कभी कभी, ठीक है, जैसे साइकिल लेंस हो गई। अनट्रीटेड शोल्डर देख लीजिए आप, ट्रीटेड शोल्डर है, अनट्रीटेड शोल्डर, ट्रीटेड का मतलब जो अपन जो लास्ट एज बना देते हैं रोड का, जैसे ये वाला, इसके थोड़ा सा पक्का रोड बनाते हैं, ये तो क्या ट्रीटेड, और इसके जो बाहर का हो गया वो अनट्रीटेड शोल्डर, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में था विड्थ ऑफ द रोड वे फॉर फॉर्मेशन विड्थ, कि कितना फॉर्मेशन हो सकता है, तो इट इज द सम ऑफ द विड्थ ऑफ द कैरेज वे एंड द पेवमेंट इंक्लूडिंग सेपरेटर्स इफ एनी एंड द शोल्डर, ठीक है, मतलब टोटल कैरेज वे का, उसके बीच में अगर कोई मीडियन है उसका, कर्ब्स का, और उसके बाद में शोल्डर का, इन सब का विड्थ मिला के होता है, उसको रोडवे फॉर्मेशन विड्थ बोला जाता है, कि कितना अपन को जो फॉर्मेशन रोडवे का फॉर्मेशन करना है, उसमें कैरेज वे और शोल्डर दोनों आ जाता है मोटा तौर पर याद रखेंगे तो, ठीक है। राइट ऑफ द वे,
अब राइट ऑफ वे क्या होता है, इट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द लैंड रिक्वायर्ड फॉर द रोड अलोंग द अलाइनमेंट, कि एक्वायर्ड कितने किया, अपन को चाहिए कितना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपन को ये कैरेज हो गया, ये शोल्डर हो गया, यहाँ पे अपन को ड्रेनेज बनाना, तो ये तो क्या हो गया रोडवे विड्थ की रोडवे, राइट ऑफ द वे इसमें के इसमें ड्रेनेज भी तो आएगा भाई, तो ये हो जाता है कौन सा राइट ऑफ द वे। इट डिपेंड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द रोड एंड पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट, कि कितना फ्यूचर डेवलपमेंट कर सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, रोड के आसपास में कुछ मिनिमम विड्थ बनाती है कि इसके आगे आपको नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये सब होता है। ठीक है, इट डिजायर एक्वायर्ड मोर विड्थ ऑफ द लैंड एज द कॉस्ट ऑफ एडजोइनिंग लैंड इनवेरिएबली इंक्रीज वेरी मच सून आफ्टर द न्यू हाईवे इज कंस्ट्रक्टेड। देखिए यहाँ पे भी ऐसा होता है कि जैसे अपने गांव में होता है कि जैसे रोड निकल गई तो ज़मीन की कीमत बढ़ जाती है, तो इसलिए ज़्यादा ली जाती है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको फ्यूचर एक्सपेंशन करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर लैंड एक्वायर करनी है गवर्नमेंट पब्लिक से तो आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो इस केस में क्या होता है आपको कम पैसे लगे इसलिए आप पहले ही एक्वायर कर लेते हो, ठीक है। आई बात समझ में, तो गवर्नमेंट भी दिमाग लगाती है, ऐसी बात नहीं है। बिल्डिंग लेन, बिल्डिंग लेन का मतलब कि इससे अंदर बिल्डिंग नहीं बन सकती। इन ऑर्डर टू रिजर्व सफिशेंट स्पेस फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इट इज़ डिजायरेबल टू कंट्रोल द बिल्डिंग एक्टिविटीज़ ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड बाउंड्री बियॉन्ड द लैंड विथ एक्वायर्ड फॉर द लैंड। अब आपने एक्वायर तो कर लिया राइट ऑफ द वे, उसके बाद में भी आप थोड़ी बहुत जगह रखते हो कि बिल्डिंग लेन बनाने के लिए, कि इससे अंदर बिल्डिंग्स नहीं आनी चाहिए भाई, आप खेती वेती कर लो लेकिन बिल्डिंग्स नहीं आनी चाहिए। कंट्रोल साइंस क्या होती है, ठीक है, कंट्रोल साइंस का देखते हैं। तो इन एडिशन टू बिल्डिंग लाइन इट इज़ डिजायरेबल टू कंट्रोल द नेचर ऑफ द बिल्डिंग अप टू फर्दर सेट बैक डिस्टेंस, कि जैसे बिल्डिंग तो बना ली, बिल्डिंग कितनी बड़ी बनानी है कितनी नहीं बनानी है, ऐसे होता है ना जैसे अब एयरपोर्ट देखा होगा उसके पास में ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं बनाने देते, क्यों, वो कंट्रोल लाइंस होती है कि आपको सेटबैक डिस्टेंस भी चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए कार्व है, ठीक है, उसने क्या बोल दिया कि यहाँ पे आप बिल्डिंग बना सकते हो लेकिन ज़्यादा ऊंची नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ से विजिबल डिस्टेंस नहीं रहेगा, इसको सेटबैक डिस्टेंस बोला जाता है। हाईवे ज्योमेट्री में आगे पढ़ते जाएंगे तो उसमें आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंट्रोल लाइंस। ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन, जैसे अपने देखो ना डिवाइडर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये मीडियन कहलाती है, ट्रैफिक सेपरेटर कहलाते हैं, और देसी भाषा में क्या बोलते हैं, डिवाइडर। द मेन फंक्शन इज टू प्रिवेंट हेड ऑन कोलिजन बिटवीन द व्हीकल्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। टू वे लेन में दिया जाता है, सिंगल वे लेन में नहीं दिया जाएगा। चैनलाइज ट्रैफिक इंटू स्ट्रीम्स एट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पर स्ट्रीम्ड चैनल वो फ्लो हो ट्रैफिक का, ठीक है, आपस में कोलिजन नहीं हो, ठीक है, इसके लिए डिवाइडर्स दिए जाते हैं। सेग्रीगेट स्लो ट्रैफिक एंड प्रोटेक्ट पेडेस्ट्रियंस, IRC रिकमेंड्स अ मिनिमम डिजायरेबल विड्थ ऑफ 5 मीटर एंड मे बी रिड्यूस टू 3 मीटर वेयर लैंड इज रिस्ट्रिक्टेड। द मिनिमम विड्थ ऑफ मीडियन इन अर्बन एरियाज इज 1.5-1.2 मीटर, ठीक है, ये सब होता है इसमें, ठीक है। तो मिनिमम विड्थ कितनी जाती है अर्बन एरियाज में, 1.2 मीटर, जबकि मिनिमम डिजायरेबल विड्थ कितने थे, 5 मीटर, और 3 मीटर की रिड्यूस की जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर अर्बन एरियाज है जहाँ पे आपको स्पेस कम है वहाँ पे 1.2 मीटर भी इसका भी स्पेस दे सकते हो, ठीक है। तो डिजायरेबल कितना होता है, 5 मीटर की, याद रखेगा, और शोल्डर की विड्थ कितनी होती है डिजायरेबल, 5 मीटर की, ये भी याद रखेगा। तो ये मीडियन का कुछ आपको एक बढ़िया सा चित्र दिखा रखा है, इसको देख लीजिए। मीडियन मतलब डिवाइडर, डिवाइडर पक्का भी हो सकता है, उसमें पेड़ भी लगाए जा सकते हैं। क्रॉस स्लोप और कैम्बर, ये क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि क्रॉस स्लोप क्यों देते हो। जैसे मान लीजिए हाईवे आपने ये बना दिया क्रॉस स्लोप ये वाला, ठीक है, तो ये होता है थीटा एंगल, ये क्रॉस स्लोप होता है, ये क्यों दिया जाता है, ताकि जो पानी की बरसात हो तो बरसात का पानी इस पर एक्युमुलेट नहीं हो, इस पर इकट्ठा ना हो और वो बह के निकल जाए। तो इट इज़ द स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस इन द ट्रांसफर डायरेक्शन टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सरफेस वाटर इन टू द सबग्रेड सॉइल थ्रू पेमेंट। मैं तो रोड सरफेस पे पानी इकट्ठा नहीं हो, अगर इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, जो सबग्रेड सॉइल है उसमें चला जाएगा, ठीक है, परकोलेट कर जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर इनटू बिटुमिनस पेवमेंट लेयर, अब अगर रुका रहेगा तो बिटुमिनस पे भी करेगा, और आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि पानी और बिटुमिनस एक दूसरे के खास दुश्मन होते हैं, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए।
तो इसलिए आप क्या करते हो इसमें क्रॉस स्लोब देते हो टू प्रिवेंट द एंट्री, बताया दिया मैंने, टू रिमूव द वाटर फ्रॉम रेन वाटर फ्रॉम द पेमेंट सरफेस एज क्विक एज पॉसिबल एंड टू अलाउ द पेमेंट टू गेट ड्राई सून आफ्टर द रेन। मतलब इसलिए जैसे जाते हैं कि सरफेस से क्विक तो उसका ड्रेनेज हो जाए पानी का, ठीक है, दूसरा जल्दी से जल्दी वो सूख जाए। इट इज एक्सपेक्टेड एज ए परसेंटेज वन वर्टिकल इंटू एन हॉरिजॉन्टल, मतलब एक वर्टिकल चलने के लिए कितना हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा, 1:n में होता है 1:n, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1/n, इट डिपेंड्स ऑन द पेमेंट सरफेस एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कि इंटेंसिटी कितनी रहेगी। अगर ज़्यादा, देखिए सिंपल सी बात, अगर बरसात हो ही नहीं रही तो वहाँ पे देने का कोई मतलब नहीं, ज़्यादा बरसात तो ज़्यादा पानी आएगा तो ज़्यादा उसको ड्रेनेज करना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। और पेमेंट सरफेस कैसा, अगर मान लीजिए रफ है तो वहाँ पे ज़्यादा, ठीक है, और अगर बिटुमिनस रोड है तो वहाँ पे और ज़्यादा, ठीक है, मतलब थोड़ा उससे कम, और अगर सीसी रोड है तो उस पर थोड़ा और कम दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे डिपेंडिंग ऑन द पेमेंट सरफेस भी डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब आगे का स्कोप है ना, जो शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन अपन ये कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।